कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ, तथा कथित रूप से स्वतंत्र हुआ, इस भारत माँ के टुकड़े हुए। तो आपने सुना होगा कि किसी संपत्ति का बंटवारा होता है, मगर माँ का कभी बंटवारा नहीं होता। अब इस साइड से आगे ले जाता हूं मैं। अब मैं कहना चाहूंगा कि उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बुद्धिमत्ता का इतना परिचय दिया कि उन्होंने कहा था कि इस देश को सेना नहीं चाहिए, जब यहाँ जब कांग्रेस जा रही तो आपको क्या चाहिए, इस देश को कौन चलाएगा, इस देश की सीमाओं की रक्षा कौन करेगा। तब उन्होंने कहा था कि इस देश की रक्षा करेगी पुलिस। आपने कहा तथाकथित आजादी हमें मिली थी 1947 में, मैं इसका मतलब नहीं समझ पाया। आप ये समझ लीजिए, मैं कहना चाहूंगा किसी देश का किसी, मैंने आपको जो इसमें थोड़ा सा हिंट दिया था, मैंने किसी देश किसी किसी माँ का बंटवारा नहीं होता है, संपत्ति का बंटवारा होता है। नहीं, ये तथाकथित आजादी हमारे लिए, हमें स्वतंत्रता हमें 1947 में मिली थी, आपने बताया तो मुझे मैं आपको मैं कह और मैं इसे डिटेल में बताऊं ना आपको। अगर आपने जो तथाकथित आजादी का जिक्र किया, वो कह रहे हैं आप, कह रहे हैं बात छोड़िए, चलिए छोड़ देता हूँ, लेकिन ये वाला जो ये जो आपने बताया कि नेहरू जी ने कहा था कि सेना की जरूरत नहीं है, ये मैंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक चलती है उसमें कहीं पढ़ा था, लेकिन मैंने कई किताबों में ढूंढा, वहीं नहीं मिला मेरे को कहीं कि सेना की जरूरत नहीं है। ये कहां कहा था हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री? देखो आज सुनो सुनो, अभी आपने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बात करी ना, तो मैं ये जो बड़ी बहुत बातें चलती है मैं आपको बताना चाहता हूं। एक इनके वो जो यहां पर गुलाब का फूल रखते थे, कब किसको दे दे कुछ पता नहीं, उनको एक बता दीजिए एक लाठी तक पड़ी हो, चापेकर बंधु कौन थे, मतलब आप कहना क्या चाह रहे हैं चौहान जी? अरे सुन लीजिए, सुन लीजिए चौहान जी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? नो नो नो, प्लीज 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 सुन लीजिए। ना ना नहीं, ये बात गलत है चौहान जी, नो चौहान जी, नो नो प्लीज। अरे कौन सी कॉफी पीते थे, कौन सी चाय पीते थे, ये भी बता दीजिए जरा चौहान जी। ये क्या व्हाट्सएप की बस्ती में चल रही है यहां? एक ये बता दीजिए, प्रधानमंत्री कोई भी हो, किसी भी दल का हो, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, हमारे देश का प्रधानमंत्री होता है, और उसकी इज्जत उसका सम्मान हमारा कर्तव्य है। मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूं, प्लीज सर ये शब्द वापस लीजिए, जो आपने कहा वो गलत कहा, प्लीज। मैं बताता हूं आपको प्रधानमंत्री की इज्जत कैसे होती है, जब पाकिस्तान ने भारतीय जनता पार्टी में सिखाया यही जाता है। अरे सुन लीजिए, देश के सम्मान से, इनके देश के सम्मान से, महिलाओं के सम्मान से। अरे मोहन जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं।